यवतमाल जिले के दीग्रस डिपो के मैनेजर संदीप मंडावी की हठधर्मी से ही अपनी बीमार दिव्यांग बेटी के उपचार में बाधा उत्पन्न होकर उसकी मौत हुई है। इस आशय का आरोप एसटी बस चालक किशोर राठौर ने लगाया है। मृत बेटी की लाश लेकर डिपो पहुंचे राठौर ने पत्रकारों को बताया कि मंडावी उनकी छुट्टी की अर्जी को हमेशा टालते रहे, नतीजन उन्हें छुट्टी नहीं मिली और बेटी का समय पर उपचार नहीं हुआ। पेश है दीग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। दिग्रस डेपो में गुरुवार को एक बदनसीब बाप अपने परिवार के साथ मृत बेटी स्नेहा की लाश को लेकर पहुंचा। किशोर राठौर नामक एसटी चालक की दिव्यांग बेटी स्नेहा की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी, उसे अच्छे उपचार और देखभाल की जरूरत थी। इसके लिए किशोर राठौर ने बार बार डिपो मैनेजर संदीप मंडावी को छुट्टी की अर्जियां दी, लेकिन मैनेजर साहब ने उनकी एक न सुनी और उसे ड्यूटी बजा लाने के लिए मजबूर कर दिया। डिपो मैनेजर की अकड़ और असंवेदनशील रवैया ही मेरे बेटी की मौत की वजह है। इस आशय का बेहद गंभीर आरोप पीड़ित किशोर राठौर ने गुरुवार को दिग्रस पुलिस के अधिकारी और पत्रकारों के समक्ष दोहराया है। माझी मुलगी अपंग असल्यामुळे माझं पूर्ण दवाखाना चालत नाही, बोलत नाही आणि त्याचं सगळं खाणं पिणं संडास बाथरूम मलाच करावं लागत होतं आणि ती महिन्याभरापासून आजारी होती। आजारी असल्यामुळं मी डिपो मॅनेजरना सांगितलं की बा माझी मुलगी आजारी आहे, खूप सिरियसली आहे आणि मला थोडंसं ॲडजस्टमेंट करून ड्युटी लावा, खालीवर करा, थोडंसं मला वेळ द्या दवाखान्यासाठी। ड्युटी पण करतो आणि पण मुलीचा दवाखाना पण करतो, पण ते काही ऐकायला तयार नव्हते। ते म्हणत होते नाही तुमची ड्युटी जी आहे तीच जा, तुम्हाला सुट्टीसुद्धा मिळणार नाही आणि ते ड्युटी नाही गेले तर तुमच्यावर कारवाई होणार, सस्पेंडची ऑर्डर लावून तुमच्यासाठी। त्याच्यामध्ये कारणीभूत एक रवी जाधव, एक घोगाने पाटील आणि एक डेपो मॅनेजर, या तिघा मिळून यानं मानसिक त्रास दिला मला। माझी मुलगी पण ते 14 वर्षाची आहे, 14 वर्षाची अपंग असल्यामुळं सगळं संडास बाथरूम त्यांचं खाणं पिणं मला स्वतःच करावं लागतं। मी 13 वर्षापासून मी अडणारी कामगिरी करत होतो आणि मला आता सध्या त्यानं मला सुपरच्या कामगिरी लावल्यामुळं माझं ॲडजस्टमेंट झालं नाही, मुलीचं पाहणं झालं नाही, म्हणून माझी मुलगी दगावली गेली। मुलीचं नाव आहे स्नेहा किशोर राठौर, याच्या कारणीभूतामुळं माझी मुलगी दगावली गेली। त्यानं रजा नाही दिली मला आणि सुट्ट्यासुद्धा ॲडजस्टमेंट केल्या नाही। याला कारणीभूत रवी जाधव आणि डेपो मॅनेजर जास्तीत जास्त हे शिकवायचं। रवी, दिग्रस एसटी डिपो में आला अधिकारियों की मनमानी से बहुत से कर्मचारी परेशान हैं। सूत्रों ने बताया कि भालेराव नामक एसटी वाहक की पत्नी की तबीयत खराब होने से उसने बीते दिनों वरिष्ठ अधिकारियों से छुट्टी देने की कई बार मिन्नतें की, लेकिन उसे भी दुत्कार दिया गया। ऐसे में गुरुवार को बस चालक किशोर राठौर के साथ ही अन्य डिपो कर्मचारियों ने भी डिपो मैनेजर संदीप मंडावी के अड़ियल स्वभाव के साथ ही यातायात निरीक्षक रवि जाधव की गैर जिम्मेदारी और कर्मचारियों के साथ बुरे बर्ताव की गवाही देते हुए प्रखर रोष व्यक्त किया। इस दौरान किशोर राठौड़ और अन्य कर्मचारियों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बहरहाल खबर लिखे जाने तक सूत्रों ने बताया कि इस मामले में किशोर राठौड़ द्वारा दिग्रस पुलिस को शिकायत दी गई है और जल्द ही एसटी विभाग द्वारा इस मामले की जांच के बाद दिग्रस पुलिस आगे की कार्यवाही को अंजाम देगी। बहरहाल अधिकारी चाहे किसी भी विभाग के हो, उन्हें यह अधिकार कतई नहीं कि वे अपने से छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर ड्यूटी के नाम पर इतनी सख्ती बरते कि उनके अपनों की जान खतरे में पड़ जाए। ऐसे अधिकारियों को समय रहते सबक सिखाने की मांग किशोर राठौड़ और अन्य मजबूर और प्रताड़ित एसटी कर्मचारियों ने उठाई है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।